नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे 6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार वयस्क भारतीय पुरुष के लिए नया आदर्श वजन है 65 kg। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद साबरमती जेल में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सफलतापूर्वक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंकिंग 63 है, फर्स्ट स्थान पे न्यूजीलैंड है और सेकेंड स्थान पे सिंगापुर है। कौन सा शहर 2023 टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? डर्बन दक्षिण अफ्रीका 2023 टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष थॉमस वेइकर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? इसका आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होते हैं, वरुण जो कि नौसेना के बीच, दोनों देश के नौसेना के बीच किया जाता है, गरुड़ जो कि दोनों देश के वायुसेना के बीच किया जाता है और शक्ति जो कि दोनों देश के आर्मी के बीच किया जाता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों और वहाँ की करेंसी यूरो है। अगला क्वेश्चन है, IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। 2019 में का IPL का विनर मुंबई इंडियंस हैं और सबसे ज़्यादा 9 बार फाइनल खेलने का रिकॉर्ड धोनी के नाम दर्ज है। इस वर्ल्ड टीचर डे हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल इसका थीम है लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, 5th इंटरनेशनल ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा किस भारतीय ने जीता है? विश्व शिवराज पांडियन ने जीत लिया है ये प्रतिस्पर्धा और ये इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाली एवं हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी किस अभिनेत्री का 28 वर्ष की उम्र में निर्धन हो गया है? मिस्ट्री मुखर्जी का निर्धन हो गया जो बंगाली एवं हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जलवायु परिवर्तन के किस सम्मेलन को संबोधित करेंगे? सम्मेलन का नाम है डेयरिंग सिटीज 2020। 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जो डेंगू से बचने के लिए किया गया है। धन्वंतरी रथ दिल्ली पुलिस परिवारों के द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है हाल ही में अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? इसका नाम है राइज। हाल ही में इन्होंने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, अटल सुरंग का भी उद्घाटन किया है। किस भारतीय निशानेबाज ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता? यशस्विनी सिंह। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उसका नाम है रवि संथानम जो कि अभी चीफ एंड मार्केटिंग ऑफिसर हैं HDFC बैंक में। फोर्ब्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और इसका स्थापना 15 दिसंबर 1917 को हुआ।
आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, बतलाना है कि वर्ल्ड एनिमल डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।